Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. Mutual fund क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके अंदर investment कैसे करें? इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ज्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड अथवा इस जैसे अन्य शब्दों को सुनकर डर लग जाता है। अगर आप वास्तव में म्यूचुअल फंड क्या है इसको समझ लोगे तो आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि म्यूचुअल के नाम का मतलब क्या है। यह म्यूचुअल का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं और फंड का मतलब होता है पैसा या राशि। तो म्यूचुअल फंड का मतलब यह होता है कि म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक इन्वेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स के जरिए उन पैसों को मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। तो चलो इसे हम एक लाइव एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास या फिर आपके पास 1,00,000 रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और हम यह चाहते हैं कि एक साल के बाद ये पैसे थोड़े से बढ़े, तो हम क्या करेंगे? हम बैंक अकाउंट में रखेंगे, मगर कुछ फायदा नहीं क्योंकि आपको पता होगा कि सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट मिलता है एक साल में, तो 1,00,000 रुपए के ऊपर आपको सिर्फ 4,000 रुपीज ही मिलेगा जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? गोल्ड ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये करने के लिए 1,00,000 रुपए से काम नहीं बनेगा। हमारे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए और इसके रिटर्न के लिए हमें मार्केट के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है क्योंकि गोल्ड का प्राइस अप डाउन होता है। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अभी हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है। आपके जो पैसे होते हैं वो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स के पास चले जाते हैं, फिर वो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स आपके पैसों को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। भले एक कंपनी लॉस में गई फिर भी दूसरे कंपनी से प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। तो इसकी 99% गारंटी होती है कि आपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे देते हैं। दोस्तों अभी हम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये काम करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफलाइन तरीका। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन तरीका ही यूज करें। यानी आपको क्या करना होता है, आपके घर के नजदीकी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में आपको जाना है और वहां पर जाकर आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, KYC, MICR, IFSC कोड और कैंसल चेक। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट काम करना होता है, वो होता है KYC। KYC का मतलब होता है नो योर क्लाइंट। ये करने के लिए आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, अपना एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेगी। यह सब काम होने के बाद आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने हैं। ये सारी जानकारी आप अपने म्यूचुअल फंड के ऑफिस में दे दे और सारी जानकारी देने के बाद आपका काम खत्म होता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड के एम्प्लॉयज आपको और जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स होते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा सूचित कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।